हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान पर पलटवार किया है। शुक्रवार को गुरुग्राम पहुंचे सीएम खट्टर से मीडिया ने राहुल गांधी के रेप इन इंडिया बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो वे इसे रेप इन कांग्रेस कहकर चलते बने। खट्टर यहां गुरुग्राम ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पहुंचे थे। इसमें उन्होंने प्रदूषण, अवैध पार्किंग, अतिक्रमण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। गुरुग्राम की सड़कों से हटाए जाएंगे 5 साल के पुराने डीजल ऑटो। मुख्यमंत्री ने यहां कष्ट निवारण समिति की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री के सामने रखी गई कुल 12 समस्याओं में से 8 समस्याओं का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। सीएम खट्टर ने कहा कि 5 साल से ज्यादा पुराने डीजल ऑटो गुरुग्राम की सड़कों से हटाए जाएंगे। इन ऑटो रिक्शा को ई रिक्शा से रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन ये ई रिक्शा ऑटो चालकों को ही दी जाएंगी। इसके अलावा प्लेट नगर में हाई टेंशन वायर को जल्द हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अगली बैठक में जांच कमेटी को रिपोर्ट देखने का आदेश दिया है। इस कमेटी में गुरुग्राम इंटरनेशनल फूल मंडी बनाने का भी फैसला लिया गया है, जिसके लिए सेक्टर 52 में 8 एकड़ भूमि चयनित की गई है। गुरुग्राम में ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने के लिए भी सीएम खट्टर ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। ट्रांसपोर्टरों की पहचान कर ट्रांसपोर्ट नगर में दुकानें आवंटित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचारी अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। राज्य को करप्शन फ्री बनाने का हमारा एजेंडा पहले से जारी है, इसे और प्रभावी बनाया जाएगा। धान के फिजिकल वेरिफिकेशन पर सीएम खट्टर ने कहा कि यहाँ सही आंकड़े नहीं मिले हैं, वहाँ वेरिफिकेशन कराई जाएगी। वहीं शहर भर में बेची जा रही शराब पर सीएम ने पुलिस कमिश्नर और एक्साइज विभाग को कार्यवाही करने का आदेश दिया है। एनक्रोचमेंट का मामला जो था उसको ठीक करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ पर चिन्हित है 2 जगह, लेकिन अभी पूरा उसका योजना नहीं बनी थी। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी योजना HSVP डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उसको बनाएंगे और बना करके ऑटो मार्केट इस प्रकार की ट्रांसपोर्ट नगर में भी जाए और ट्रांसपोर्ट नगर में किन किन को प्लॉट देने हैं, किन शर्तों पर देने हैं, उसकी सारी 1 महीने अंदर रिपोर्ट बना करके ये सब देंगे। ऐसे मुख्य ये मांगे हैं। ये जो ग्रीवेंसेज हैं इनको 8 को डिस्पोज ऑफ किया है, 4 अभी बाकी है, उनको फिर करेंगे। देखिए अभी तीसरी बार नहीं है, एक तो पहले हुई थी पिछले सालों में, एक इस बार हुई है, लेकिन उसमें भी कुछ जगह की शिकायत मिली है कि वहाँ वेरिफिकेशन ठीक नहीं हुई है, तो इसलिए वो चिन्हित जगह पर कुछ रैंडम जो चीजें हैं उनको निकाल करके 30 जगह कराई जाएगी। सबकी नहीं कराएंगे, जहाँ जहाँ के रिकॉर्ड ठीक नहीं थे, जहाँ जहाँ की धान की वेरिफिकेशन में कमी पाई गई थी, वहाँ 10 दिन के अंदर एक बार फिर से कराई जाएगी। पूरे प्रदेश भर के अंदर क्या कुछ व्यवस्था की गई है किसानों के लिए? स्पेशल गिरदावरी के लिए कह दिया गया है और 1-2 दिन बाद इन 4 जिलों में जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई, पूरे प्रदेश में नहीं हुई है, ये हुई है मेवात में, नू में हुई है, या तावड़ू में, जिचर में हुई है, आगे दादरी में हुई है, भिवानी के कुछ एरिया में हुई है, पलवल साइड में हुई है, ऐसे कुछ जिलों में बेल्ट में ये ओलावृष्टि हुई है और उसकी गिरदावरी जो है उसके ऑर्डर कर दिए गए। एक प्लान बना लिया गया, क्योंकि इस एरिया में फ्लावर की खेती बहुत होती है फूलों की, और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स की खेती और शुरू की जाए, लोगों के किसानों की आमदनी से बढ़े, तो एक इंटरनेशनल लेवल की मंडी ये शुरू करने का विचार योजना बन गई है। सेक्टर 52 में उसके लिए 8 एकड़ जमीन भी रिजर्व कर दी गई है, एक बढ़िया फ्लावर मंडी ये बनाई जाएगी। सर, आपने सरकार बनी है, आज ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली आपने, अधिकारियों को निर्देश दे दिए आपने कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं वो उनका देखिए, केवल गुरुग्राम में नहीं पूरे हरियाणा के लिए मैंने कहा है। एंटी करप्शन डे 9 तारीख को था, उस दिन मैंने सभी वहाँ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के लोग थे, IG लेवल के लोग थे, उनको सबको बुलाया था कि करप्शन फ्री करना ये हमारा एजेंडा चल रहा है, कुछ बदल करके कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीजें व्यवस्थित की जाए और कुछ शिकायत के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए। उसमें हमने टोल फ्री नंबर भी किया है, उसके अंदर हेल्पलाइन भी दी गई है, वेबसाइट का एक पेज भी बताया गया है और व्हाट्सएप पर भी शिकायत भेज सकते हैं। फोटो, ऑडियो, वीडियो इनके साथ अगर भेजेंगे तो उसकी शिकायत का जल्दी निवारण हो सकेगा, क्योंकि प्रमाण से चीज़ आती है तो बहुत से ऐसे प्रावधान हैं पुलिस में, उसकी FIR कराना, CM फ्लाइंग स्क्वाड का छापा लगाना या सीधा उसके खिलाफ कोर्ट में केस करना, और कर्मचारी अगर दोषी है तो कर्मचारी के खिलाफ
जो भी एक्शन होगा वो करना, जनता में कोई आदमी अगर प्रोत्साहित करता है करप्शन को तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सब चीजें हम करप्शन को सहन नहीं करने वाले, ये सबको बताया है और यहाँ भी कह दिया गया। ट्रांसपोर्ट नगर की बात करिए से अभी तो सेक्टर 10 में एक ऑटो मार्केट का जो योजना है वो काफी सालों से लंबित है, वो भी उसके साथ जोड़ा है उसको, वो सारा एक महीने के अंदर सारी प्लानिंग बनाएंगे। कांग्रेस वालों को जाके पूछना चाहिए। JBD बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंकवेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।